सो हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट रिबन। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पैनल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग हाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये जो वर्किंग एरिया है, वर्किंग एरिया को अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हो, थोड़ा सा अच्छे से दिखना चाहते हो, फुल स्क्रीन टाइप का मतलब यूज़ करना चाहते हो, तो इसको आप लोग हाइड भी कर सकते हो। तो हाइड हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ये जो टैब्स दिए हुए हैं, टैब्स के मॉडिफाइड टैब के बाजू में आप देख सकते हो यहाँ पे एरो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एरो में जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक सिंगल जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या दिया, देखो मिनिमाइज टू पैनल बटन। अब जैसे यहाँ पे एक सिंगल क्लिक करूँगा तो देखो ये पैनल में आ गया, मतलब कि आर्किटेक्चर में जाऊँगा मैं, स्ट्रक्चर में गया तो इस टाइप का दिखेगा, सिस्टम में जाऊँगा तो ये इस टाइप का दिखेगा, इंसर्ट में जाऊँगा तो ये इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बस मैं कर्सर बस ले जा रहा हूँ तो ये अपने आप ओपन कर दे रहा है। ठीक है, तो वैसे एनोटेट में भी वैसे यहाँ पे कर्सर बस ले जा, क्लिक क्लिक कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस कर्सर को ले जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये अपने आप ओपन कर दे रहा है उसकी डिटेल्स। ठीक है, एक और बार जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मिनिमाइज टू पैनल टाइटल, तो देखो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था कि जैसे यहाँ पे जो डायमेंशन डिटेल टेक्स्ट उसके हमको कुछ एक सिंबल आ जा रहा है। ठीक है, तो वो सिंबल को अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार सिंगल क्लिक, जैसे यहाँ पे सिंगल एक बार क्लिक कर रहा हूँ, मिनिमाइज टू टैप कर रहा हूँ, अभी क्या होगा जब मिनिमाइज टू टैप करूंगा ये जो आपको दिख रहा है सेलेक्ट डायमेंशन ये भी गायब हो जाएगा। ठीक है, जिससे देखो वर्किंग एरिया आपका बड़ा होते जा रहा है। जैसे मैं इसको फिर से क्लिक करा, अब देखो सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, हमारा आर्किटेक्चर जो हमारे जो मेन टैब है वही बस शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करा तो ये ऐसा ओपन होगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तब आपको ये शो करेगा, अदरवाइज ये इतना बड़ा फुल स्क्रीन आपका हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्लिक करा तो ये इस तरीके शो होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। वापस से आपको पूरा हर चीज़ लाना है तो यहाँ पे आपको एक बार फिर से सिंगल क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, शो फुल रिबन। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आपका रिबन फिर से पूरा फुल हो जाएगा और आपका वर्किंग एरिया थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको कैसे रखना है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एरो पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अपने आप मेरा यहाँ पे होते जा रहा है। तो देखो अभी क्या लिखा है, मिनिमाइज टू पैनल बटन, फिर से वही आ गया। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे पैनल बटन या फिर मिनिमाइज टू टैब एक बार में करना है तो उसके जस्ट बाजू में एक और एरो दिया है, डाउन एरो। डाउन एरो पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया मिनिमाइज टू टैब, जैसे मिनिमाइज टू टैब करूंगा तो ये आपका सिर्फ टैब ओपन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तब यहाँ पे मेरा ये मॉडिफाई वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करा मैं मिनिमाइज टू टैब के बाद मिनिमाइज टू पैनल टाइटल, मतलब कि वो जितने भी यहाँ पे मतलब आर्किटेक्चर में जो भी पार्ट आते हैं उसके क्या आ जाएंगे, पैनल टाइटल आ जाएंगे। देखो यहाँ पे पैनल टाइटल आ गया, मतलब मॉडिफाई में ये सब आता है, आर्किटेक्चर में ये सब आता है, सेलेक्ट बिल्ड ये सब। उसके बाद एक और बार क्लिक करा मिनिमाइज टू पैनल बटन करूँगा तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पैनल टाइटल्स है उसके एक आपके सिम्बॉल आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करा, ये इस तरीके से आपको शो कर रहा है। ठीक है, बाकी ये जो साइकिल वाला दिया है साइकिल थ्रू ऑल, इसका मतलब ये वही है, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये इसी का मतलब यहाँ पे शो करता है। ठीक है, मतलब एक साइकिल की तरह चलेगा आपका, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो आपकी मर्जी है कि आपको यहाँ पे पैनल टाइटल में रखना है, टैब में रखना है, या पैनल बटन में रखना है, या फिर आप इस तरीके से पूरा करोगे। अगर आप मिनिमाइज टू टैब करोगे तो ये आपकी बहुत बड़ा ये जो वर्किंग एरिया है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, मतलब आपको फुल दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बेसिकली हमेशा इसको ओपन ही रखता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करा ये इस तरीके से, मुझे ऐसा ज़्यादा क्लियर अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपने जो यहाँ पे जो पैनल दिए है या फिर जो रिबन दिया है इसको डिस्प्ले को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेविट के बारे में और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू सो मच।